हेलो फ्रेंड्स, मैं मदीप स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 34 साइज़ का नेट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये पैडेड ब्लाउज़ रहेगा और ये ट्रांसी नेक पर भी रहेगा। प्रिंसेस कट बोट नेक का ब्लाउज़ है तो फुल डिज़ाइनर ब्लाउज़ रहेगा। इसमें आप बेल स्लीव्स भी बनाना सीख सकते हैं। तो ये नेट का फैब्रिक है और इसमें मैंने सिंपल कॉटन अस्तर लिया है। अगर आप चाहें तो एक शॉर्टन अस्तर भी इसमें लगा सकते हैं शाइनिंग वाला, क्योंकि नेट का ब्लाउज़ है। तो देखिए, सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ रखना है फोल्ड करके। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैं यहाँ पर 13 इंच लेंथ तैयार रखूँगी, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14 इंच पर मैंने यहाँ पर एक मार्किंग किया है। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर देना है। इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर दिया है। और 34 चेस्ट का ये ब्लाउज़ है, बैक ओपन पर रहेगा, डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। और इस ये बोट नेक पर है तो बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल्स मैंने रखे हैं 7 इंच। चार्ट जो है वो बोट नेक का चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट उसमें से जान सकते हैं। शोल्डर एंड आर्म होल रखे हैं मैंने 7 इंच। चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर 8.5 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। और सबसे पहले हम इस इधर बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई मैंने कर दी है। मार्जिन आप चाहें तो अपने हिसाब से 2 इंच का भी ले सकते हैं। कमर 28 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे यहाँ पर 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो मेरी यहाँ पर मार्किंग कम्प्लीट हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से हमने बैक पार्ट को कट कर देना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पार्ट कट करना है। हम इसमें पैड भी लगाएंगे। तो फैब्रिक आप अस्तर का थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, 1.5 मीटर करीबन लीजिएगा, 1.25 से 1.5 मीटर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है ताकि हमारे 2 पार्ट साथ में कट हो जाए। अब नॉर्मली जब मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाती हूँ तो आपको नीचे से 1/2 इंच लेने के लिए बोलती हूँ, पर मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि हम इसमें पैडेड ब्लाउज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे से सबसे पहले आपको 1 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद अपने बैक पार्ट को जो हमने कट किया था इस कपड़े के ऊपर रख देना है। अब हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। इससे ये होता है कि हमें दोबारा से मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ बैक पार्ट को मैंने हटा लिया है। उसके बाद 1 इंच लेंगे हम यहाँ से और नीचे से लेंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से कमर की तरफ से 1.5 इंच। तो इस तरीके से हम अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। हम इसमें प्रिंसेस कट करेंगे, पैडेड ब्लाउज है। तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं बनाना। एक ही वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिल जाएगी ब्लाउज़ से रिलेटेड। 1/2 इंच का मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। हमारे आर्म होल का जो शेप होता है फ्रंट पार्ट का, वो हम स्टिचिंग के समय पर देंगे। अब नीचे से ये जॉइंट है तो मैं इन्हें कट करके अलग अलग कर देती हूँ। फ्रंट के हमारे 2 पार्ट अलग अलग हो गए हैं यहाँ पर। एक पार्ट में हम पैड अटैच करेंगे और एक में ब्लाउज़, एक अस्तर ब्लाउज़ के साथ लगाएंगे। प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे अब हम यहाँ पर। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसे नेट के साथ कट कर लेती हूँ। तो अब हम इसे नेट के जो मेन फैब्रिक है मेरा उसके ऊपर रखकर मैंने इसे कट कर लिया है। मेन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मेज़रमेंट ले रही हूँ प्रिंसेस कट का 34 साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लेना है हमें 3.5 इंच, 3.5 इंच, और ऊपर से इसमें टक्स पॉइंट रखना है 10.5 इंच पर। और कप भी मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर ही अटैच करूँगी। जो हमने 10.5 इंच की लाइन ली थी वहाँ पर हमने इसे सीधा कर लिया है। यहाँ से हमें 0.25 इंच लेना है, 3.75 इंच। इस लाइन को हम मिला देंगे नीचे की तरफ और इस लाइन को ऊपर आर्म होल्स की तरफ मिला देना है हमें। अब यहाँ से विड्थ में आपको लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच लेना है और लेंथ में लेना है 2 इंच।
ये देखिए इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे यहाँ पर हम। अब हमें यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर देनी है ऊपर की तरफ, ताकि जब हम फिटिंग लगाएंगे तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट बिल्कुल सेम आए। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है मार्किंग। अब हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट की तरफ भी कर लेना है, तो इसे भी हमने इस तरीके से रख देना है। और चाहे तो आप मेज़रमेंट लेकर कर सकते हैं, नहीं तो आप चौक से पहले जो जो हमारा पार्ट है नीचे वाला उसका चौक से आप मार्किंग को डार्क कर ले, उसके बाद थपथपाकर इस तरीके से ले लीजिएगा। तो हमें यहाँ पर मार्किंग दिख रही है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार मेज़रमेंट ले लेती हूँ क्योंकि मार्किंग बहुत ही लाइट हुई है, ज़्यादा डार्क नहीं दिख रही है। तो मैं फिर से मेज़रमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर, या फिर आप उस पार्ट को कट कर लीजिएगा और उसी के बराबर से आप पैडेड ब्लाउज को भी, आप जो पैडेड पैड हम अटैच करेंगे इस वाले पार्ट को भी आप कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक बार फिर से मेज़रमेंट लेकर, ज़्यादा समय नहीं लगता है, मार्किंग हमारी थोड़ी थोड़ी दिख रही है तो इसे अब हम कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से नीचे से भी अब हमें इसे कट कर देना है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट कटिंग हो गया है, अब हम दूसरा वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। मैंने इस पर मार्किंग किया है ताकि मैं इस पर पैड अटैच करूँगी जब मुझे पता रहेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी कट कर देना है। ये देखिए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमने इस तरीके से कट कर लिया है, और जिसमें हम पैड अटैच करेंगे उसे मैंने नीचे से कट नहीं किया है, वो हम जब फिटिंग लगाएंगे पैडेड पैड को अटैच करने के बाद तो हम इस वाले पार्ट से बराबर कर लेंगे। तो अभी आपको उसे नीचे से नहीं काटना है क्योंकि जब हम पैड अटैच करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो सिकुड़ता है, खींचता है, इसलिए। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स के लिए मैंने आर्म होल नापे हैं तो 6.5 इंच आ रहे हैं मार्जिन वाला पार्ट को छोड़ के, तो इसमें मैंने 1/2 इंच प्लस कर दिया है। हम ले लेंगे यहाँ पर 7 इंच, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो हमारा आर्म होल जो है वो बढ़ जाता है। अब आपको मैंने यहाँ पर जो ये नेट का फैब्रिक लिया था वो बड़े पने का फैब्रिक था और ये है 1 मीटर। आपको अगर आप हैवी साइज़ में बनाते हैं तो 1.5 मीटर फैब्रिक आप लीजिएगा बेल स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने नेट को इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए एक लाइन ड्रॉ करके हमें पहले इसे नीचे से कट करके सीधा कर लेना है, और नेट की जो स्लीव्स है आप अगर पहले न्यूज़पेपर पर कटिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप न्यूज़पेपर पर कट कर ले फिर उसे नेट के ऊपर रख कर आप कट कर लेंगे, तो इससे आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो मुझे यहाँ पर हैबिट है कटिंग करने की, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है नेट पर ही कटिंग कर रही हूँ। आर्म होल लिए मैंने टोटल लेंथ रखी है यहाँ पर 10.5 इंच, 10 इंच रखी है मैंने स्लीव्स की लेंथ। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, कोनी तक का आपको नाप लेना है। मैं इसे स्लीव्स को कोनी तक रखूँगी, उसके बाद नीचे से बेल आएगा यहाँ पर डिज़ाइन, बेल का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से मेज़रमेंट ले लेने हैं। तो मैंने टोटल लेंथ रखी है इसमें 10 इंच, और बाकी आर्म होल नाप कर हमने यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे दिया है और अब हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो मैंने इसे साइड से कट किया है। फिर से मैं एक बार देखिए मेज़रमेंट चेक कर लेती हूँ। स्लीव्स की लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 10 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लीजिएगा। तो 10 इंच पर मार्क करने के बाद यहीं से आपको आर्म होल भी नाप लेने हैं ताकि आपकी जो स्लीव्स है वो बराबर से आए। अगर स्लीव्स में जॉइंट होता है तो वो आप पहले ही लगा लें कटिंग से। 3 इंच पे आपको इसे डाउन करना है, जो कोनी तक की स्लीव्स होती है उसे हम 3 इंच पे डाउन करते हैं। कोनी से अगर आप नीचे बना रहे हैं स्लीव्स को तो आप 3.5 इंच पे डाउन कीजिएगा। देखिए मैंने इस तरीके से पहले शेप ड्रॉ किया, उसके बाद स्लीव्स को कट कर दिया है। अब इसके जो आगे की गहराई है वो आप स्टिचिंग के समय पर कट कीजिएगा क्योंकि नेट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्किंग। बचा हुआ फैब्रिक मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, फिर इसे एक बार फिर से फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये 4 फोल्ड में फैब्रिक हमारा आ गया है, ठीक है। तो अब इसका बेल कट करने के लिए पहले आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसे इस तरीके से फोल्ड करके रख लीजिएगा।
ये देखिए इस तरीके से मैं मार्जिन वाला हिस्सा जो है वो फोल्ड कर रही हूँ ताकि फैब्रिक हमारा यहाँ पर बच जाए। ये देखिए इस तरीके से, तो मैंने इसे इस यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और इसे हम ऊपर की तरफ से यहाँ पर रख लेंगे। और नीचे की तरफ से आपको बेल की लेंथ का मेज़र कर लेना है कि आपको नीचे से कितनी रखनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ नीचे से 7 इंच, 6.5 से 7 इंच आ रहा है मेरे मेज़रमेंट में। यहाँ पर कपड़ा मैंने पूरा यूज़ कर लिया है नीचे तक। तो इस तरीके से हमने दोनों कोनों से इन्हें नाप लेना है और फिर हम इसे कट कर देंगे। ऊपर से भी हम इसे मेज़र करके कट कर लेंगे। तो ये बचे हुए फैब्रिक से मैंने यहाँ पर शॉर्ट जो हमारी बेल स्लीव्स होती है वो मैंने कट कर ली है यहाँ पर। तो इससे हमारा एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा, ये देखिए। और ये लगने के बाद बहुत ही सुंदर लुक देगा इसका। तो यहाँ पर ये से हम इस तरीके से मेरे दोनों पार्ट कट गए हैं। फैब्रिक कम था, नहीं तो हम इस पर राउंड पूरी जो बेल स्लीव्स होती है वो भी कट कर सकते थे। तो ये दोनों पैटर्न हम यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। आप चाहें तो इसे साइड से सिलाई लगाकर और स्लीव्स में फिटिंग लगाकर आप ऊपर से भी अटैच कर सकते हैं। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको सिलाई के समय पर बताऊंगी। सारे पार्ट मेरे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। और पैड लगाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस भी साइज़ का आप ब्लाउज़ बना रहे हैं उसी साइज़ का आपको पैड लेना है। जिस भी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं उसी साइज़ का आपको पैड यहाँ पर जो है कप लेना है, वो आपको टेलरिंग शॉप पर इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे ही पार्ट को अलग अलग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे यहाँ पर। तो मैंने ये प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो नेट पर कट नहीं किया था, तो उसे मैं कट कर देती हूँ इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, पहले नेट को मैं यहाँ पर उल्टा सीधा इसमें चेक कर रही हूँ, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने दोनों पार्ट जहाँ पर हमें कप लगाने हैं ये दोनों पार्ट मैंने इस तरीके से रख लिए हैं। और यहाँ पर ट्रांजीनेक का डिज़ाइन दिया है 5.5 इंच पर, ये हमारा अंदर की तरफ आएगा स्तर पर। अब हमें सबसे पहले नेट को यहाँ पर जॉइंट कर देना है। उल्टा सीधा आप चेक कर लीजिएगा, मेरे पास जो फैब्रिक है उसमें भी उल्टा सीधा यहाँ पर है एक तरफ। मैंने यहाँ पर अस्तर वाले पार्ट से नेट को भी बराबर से कट कर लिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसे भी बराबर करके चेक कर लेंगे, अगर हमारा नेट वाला पार्ट भी कहीं से बढ़ रहा होगा तो हम उसे कट कर देंगे और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से कर लेंगे। मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी है कटिंग करके, अब हम इसे जॉइंट करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा इस तरीके से अब हम इसकी सिलाई करेंगे। प्रिंसेस कट पार्ट को आपको ध्यान रखना है कि इसे नीचे से ही आपको जॉइंट करना है, ऊपर से नहीं करना है। अगर ऊपर से कोई भी भाग आपका आर्म होल तरफ से बड़ा छोटा होता है तो आप कट करके बराबर कर सकते हैं। दोनों तरफ का आपको पार्ट जो है वो नीचे से ही जॉइंट करना है। आप चाहें तो नेट है सिलाई छोड़ सकता है, आप इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप इसकी स्टिचिंग करें। और यहाँ पर देखिए अब हम अस्तर वाला पार्ट जो है वो तैयार करेंगे। ये देखिए आप जब भी नेट ब्लाउज बनाते हैं तो अस्तर की क्वालिटी आप थोड़ी सी अच्छी रखें, या फिर इसमें सैंटून का या शॉटन का जो अस्तर आता है आप वो यूज़ करें, तो इससे जो नेट ब्लाउज़ का लुक है वो और भी अच्छा आता है। दोनों तरफ के प्रिंसेस कट पार्ट हम अटैच कर देंगे यहाँ पर। और जो एक और पार्ट हमने इसके साथ कट किया था पैड अटैच करने के लिए, उसे भी हम अटैच कर देंगे प्रिंसेस कट के साथ। एक पार्ट मैंने रेडी कर लिया है यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट पे मैं कप अटैच करूँगी, तो इसके लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। जो हमने मार्किंग की थी 10.5 इंच पर, वो मार्किंग आपको कटिंग करते समय ही इस पर ले लेनी है 10.5 इंच पर। 10.5 इंच पे आपको पैड अटैच करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको पैड का सेंटर मार्क करना है, फिर इसे दबा करके आपको उल्टा कर देना है। और जो प्रिंसेस कट का जॉइंट वाला पार्ट है वहीं पर आपको इसे पिनअप कर देना है।
ये देखिए इस तरीके से। फिर से मैं एक और बार आपको दूसरी तरफ का बता रही हूँ। पहले सेंटर मार्क करना है इस तरीके से, फिर इसे उल्टा करना है आपको पैट को, इसके बाद यहाँ पर इसे पिन अप कर देना है। पिन हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी अच्छे से अटैच करके पक्का कर सकते हैं। और मैं सिर्फ पैट को अटैच करने के लिए सिर्फ सेंटर पे सिलाई लगाती हूँ इस तरीके से। इसके बाद क्या होता है कि आप इसे पहनने के बाद हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपका पैट बराबर से नहीं आ रहा है तो। अगर हम चारों तरफ से सिलाई लगा देते हैं या फिर इसे पैक करके पूरा अटैच कर देते हैं तो फिर पहनने के बाद आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बाद में इसे निकालना चाहें तो निकालने के लिए भी काफ़ी ईजी रहता है। सिर्फ मैंने इसके बीच में पक्का करा है, फिर पैट को सीधा कर दिया है। अब आपको इसे अटैच किस तरीके से करना है देखिए। नीचे वाला पार्ट जो है हमारा उसे आपको सीधा रखना है और ऊपर इसे इस तरीके से रखना है। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको इसे अटैच करना है। तो सिलाई लगाने के बाद हम इस पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद पलट करके हम इधर एक सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर की। कॉर्नर की एक सिलाई लगाने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, ये देखिए। और एक सिलाई हम ऊपर से फिनिशिंग की लगा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक सेंटर पे सिलाई लगा दूंगी इस तरीके से, ये देखिए सेंटर पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। साइड से भी सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो मैं कट करके निकाल दूंगी। ये देखिए साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको कट कर देना है। सेंटर में हमने जो रफ़ी स्टिच लगाया था उसे भी हमें निकाल देना है। और अच्छे से इसे चारों तरफ से आप बराबर करके चेक कर लीजिए कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके बराबर कर लेना है हमें। आर्म उस तरफ से हल्का सा आप इसे बराबर कर लें छाट करके। अब मैं देखिए इसमें पौना एक इंच की गहराई कट कर रही हूँ क्योंकि बोट नेक है, तो अच्छे से आप इसकी गहराई कट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ इसे इस तरीके से रखते हुए आप पिनअप कर सकते हैं। पिन लगाकर आप इसे अच्छे से अटैच कर सकते हैं, उसके बाद आप सिलाई लगाइएगा। तो मैंने इसे बराबर कर लिया है और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे। मैंने इसमें कोई भी लेस का यूज़ नहीं किया है। अगर आपका नेट जो है सिंपल होता है तो आप उसमें नेट का यूज़ कर सकते हैं। मेरा नेट यहाँ पर वर्क वाला है तो मैंने इसमें कोई भी लेस का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो लेस या पाइपिंग लगा सकते हैं। और जो मैंने गले की तरफ अस्तर में राउंड शेप दिया है वहाँ पर आप स्वीट हार्ट शेप जो होता है हार्ट वाला वो भी बना सकते हैं अपनी पसंद से। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर दिया है। चारों तरफ से आप इस पर अच्छे से फिनिशिंग कर दीजिएगा। नीचे से भी अगर आपका कोई पार्ट बड़ा छोटा होता है तो वो भी कट करके बराबर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैं चेक कर रही हूँ कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो उसे कटिंग करके बराबर कर रही हूँ। नेक विड्थ रखनी है 4 इंच और गले की लंबाई ली है 3 इंच। इस तरीके से बोट नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। अगर आप ज़्यादा जो है ब्रॉड नेक नहीं पहनते हैं तो आप गला चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इंच लिया है। अब हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे गले में। तो इसके लिए आपको तिरछी पट्टी कट करनी है, यानी कि उरेब पट्टी कट करनी है। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम यहाँ पर उरेब पट्टी को लगाएंगे इस तरीके से। पट्टी मैंने अटैच कर दी है, उसके बाद आपको इस पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने से जो पट्टी है वो अच्छे से पलट जाती है, ये देखिए। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर आपको लगा देनी है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ये देखिए। पट्टी को आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। तो नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी लगा लेनी है इस तरीके से।
एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हमें कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से। कमर पट्टी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है। बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ ली है 4 इंच और गले के ऊपर वाले गले की लंबाई ली है 3 इंच। नीचे से हमें ये वाला शेप ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर हम इस तरीके से शेप बना लेंगे। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है और इसके नीचे मैंने नेट को रख दिया है। नेट को रखते हुए हमने इस तरीके से कटिंग की है। अब ये वाला जो पार्ट है इसे हमें सिर्फ अस्तर का कटिंग करना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने पिन लगा दी थी इस पर ताकि कटिंग करते समय ये हिले ना। और ये बैक ओपन है तो मैंने इसे सेंटर से यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है। अस्तर को मैंने कट नहीं किया है। इस पर जो फिनिशिंग है वो जैसे हमने फ्रंट नेक पर दी थी उरेप पट्टी लगाकर, वैसे ही फिनिशिंग मैंने यहाँ पर दी है अस्तर पे। अस्तर पे भी अगर आप चाहें तो डबल अस्तर ले सकते हैं और इसे सिलाई लगाकर पलट सकते हैं। मैंने बैक में सिंगल अस्तर ही लगाया है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर पिनअप कर दिया है मैंने इसे अच्छे से। और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगाकर नेट और अस्तर को ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ से हम इसे सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। अच्छे से इसे फिनिशिंग दे देनी है जैसे हमने फ्रंट में दी थी। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर वाले नेक पे हमें फिनिशिंग करनी है। इसके लिए भी मैंने उरेप पट्टी ली है और 1/2 इंच का यहाँ पर एक पैर का मार्जिन जितना आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। बस आपकी मशीन का एक पैर का मार्जिन कवर हो जाए ऐसी सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है। सिलाई लगाकर हमने इसे अटैच कर दिया है पट्टी को। अब इसे आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है इससे पट्टी से गला बनाना। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का गला भी हम रेडी कर लेंगे और इस पर प्लेट्स डाल लेंगे। 4 इंच की लंबाई में आप प्लेट्स लीजिएगा। अब हम हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हाई की पट्टी हम इस तरीके से लगाएंगे और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर देना है पट्टी का। अब हम दूसरी तरफ लगा रहे हैं हुक की पट्टी। ऊपर की तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है और हाई हुक की पट्टी लगाने के बाद हम दोनों पार्ट को रख कर यहाँ पर चेक करेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके आपको बराबर करना है। फिर नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से कमर पट्टी को हमने इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देना है। अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। पिन अप कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स तैयार करेंगे। ये देखिए नीचे बेल की तरफ से आपको इस तरीके से रख लेना है। बेल अगर कम पड़ती है तो साइड से आप इसे खाली छोड़ सकते हैं और सेंटर से इस तरीके से इसे अटैच कर सकते हैं। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसे अटैच करना है। फिर आपको क्या करना है, इसे फोल्ड कर देना है। ये जो मार्जिन है इसे आप फोल्ड कर देंगे तो ये एकदम पतली पट्टी जैसा हो जाएगा इस तरीके से। इस जॉइंट पर अगर आपको कोई लेस लगानी है तो आप लगा सकते हैं और नीचे से इसे बारीक आपको फोल्ड कर देना है। ये सितारे वाला जो है नेट है तो इस पर पीको होना भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो बिल्कुल बारीक आप इसे फोल्ड कर लीजिएगा ताकि वो पीको जैसा ही दिखे। ये देखिए तो ये नीचे से स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। बराबर करके आपको चेक कर लेना है कहीं से स्लीव्स का कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब हम करेंगे यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट। तो ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको शोल्डर को जॉइंट करना है। इस पर आप पक्की सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। और अब मैं करूँगी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट। तो सेंटर से आपको मार्किंग कर लेना है, उसके बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है और साइड से आपको चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके बराबर करें। आर्म होल्स तरफ से भी कटिंग करके बराबर कर लें और यहाँ पर दोनों तरफ से पार्ट को बराबर कर देना है। और इसके बाद हम
स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो पहले मैंने सेंटर कट किया, उसके बाद मैं फ्रंट की गहराई कर दूंगी 1/2 इंच की। फ्रंट गहराई करने के बाद हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी स्लीव्स भी आप अटैच करेंगे तो फ्रंट की गहराई कर लीजिएगा। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको यहाँ पर स्लीव्स को ज्वाइंट करना है। इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये गुम सिलाई होती है जो हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है, तो इस तरीके से हम एक सीधी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है इस तरीके से। और अब हम दूसरी तरफ का पार्ट भी यहाँ पर फिटिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ के पार्ट पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। फिर मेन फिटिंग लगाने के लिए हम अपने ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पर ब्लाउज़ को मैंने पूरा उल्टा कर लिया है और इसका फैब्रिक अच्छे से निकालते हुए हम एक सिलाई यहाँ पर कॉर्नर की लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। ये सिलाई लगाने के बाद हम चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट करेंगे। तो चेस्ट का लेंगे हम यहाँ पर 8.5 इंच। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा, मैंने यहाँ पर 8.5 इंच लिया है। कमर का ले रही हूँ मैं 7 इंच और यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स राउंड है मेरा 5.5 इंच ऊपर से और यहाँ से है 5 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिटिंग की सीधी सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट, दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर देना है। और ये ब्लाउज़ हमारा बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।